एक्सरसाइज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन तो इस चैप्टर के थ्रू हम क्या क्या चीजें के बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए हमारी अच्छी हैबिट्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और हाउ वी शुड बी हेल्दी कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं कैसे क्लीन रह सकते हैं तो यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग इट वीव टू डू अगेन अ स्मॉल एक्टिविटी मार्क्स माली द वन यू लाइक द मोस्ट फ्रॉम द गेम्स बिलो इन दिस एक्टिविटी आपको क्या करना है देर आर फोर गेम्स गिवन ओवर हेयर तो आपका जो फेवरेट गेम है उसको आपको स्माइली बना स्मा दैट इज खो खो क्रिकेट फुटबॉल एंड दिस इज प्लेइंग विद द टॉयज दैट इज एलिफेंट तो अब आपको जो इसमें अच्छा लगता है उस पर आप स्माइली बना दीजिए तो लेट्स स्टार्ट टू स्टे हेल्दी एंड फिट वी मस्ट फॉलो सर्टेन गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स

We must clean our ears with earbuds or a damp towel. हमें अपने ईयर्स को या तो ईयरबर्ड्स से साफ करना चाहिए या फिर टॉवल से। We should wash our face and eyes with water. हमें अपना फेस और आईज़ को अच्छे से पानी से वॉश करना चाहिए। We should wash our hands before and after eating. तो हमें खाने से पहले भी और खाने के बाद भी अपने अच्छे से हैंड्स को वॉश करना चाहिए। Exercise. टू कीप अर बॉडी हेल्दी वी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए वन मस्ट गो फॉर अ वॉक और अ जॉग एंड ऑल्सो डू सम लाइट एक्सरसाइज एवरी डे तो हमें वॉकिंग के लिए जॉगिंग के लिए जाना चाहिए और लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए वी मस्ट प्ले सम गेम्स एंड गो स्विमिंग एक्सरसाइजेस आर ग्रेट फन विध फ्रेंड्स तो हमें गेम्स भी खेलने चाहिए आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए हमें स्विमिंग भी करनी चाहिए और हमें अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा फन करना चाहिए फैक्ट्रेजर कार्डियो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हेल्प्स फॉर्म न्यू ब्रेन सेल्स दिस इंक्रीजेस ब्रेन पावर एंड ब्रेन एक्टिविटी जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती है मतलब जो हमारी हार्ट सिर्फ रिलेटेड एक्सरसाइज होती है अगर हम वो करते हैं उससे क्या होता है हमारे नए ब्रेन सेल्स बनते हैं जो हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं और ब्रेन के एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं जिससे हमारी जो ब्रेन होता है वो अच्छे से वर्क करता है और हमारे पास ज़्यादा आइडियाज आते हैं हाउ मेनी टाइम्स डे डू यू ब्रश योर टीथ अब आपको लिखना है कि आप कितनी बार ब्रश करते हो गुड रीडिंग हैबिट्स वी शुड ईट प्रॉपर फूड टू कीप आर बॉडी हेल्थी अदर गुड ईटिंग हैबिट फॉलो तो अब हमें अपने आप को हेल्थी रखने के लिए प्रॉपर फूड खाना चाहिए तो देखते हैं कौन कौन सी ईटिंग हैबिट्स हमें फॉलो करनी चाहिए ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर हमेशा साफ और बिल्कुल फ्रेश पानी हमें पीना चाहिए ईट मोर फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और खाने से पहले हमेशा हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धो लेना चाहिए ऑलवेज ईट फूड स्लोली एंड it properly. हमें खाने को चबा कर खाना धीरे धीरे खाना चाहिए स्पीड में नहीं खाना ईट स्माल फूड और हमें खाना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और थोड़े पोर्शन में खाना चाहिए Should नॉट ईट सो मच फूड together. नाउ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन

वी मस्ट maintain क्लीनलीनेस हमें साफ सफाई रखनी होती है एक्सरसाइज मेक्स our बॉडी healthy एंड स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और हेल्दी sleep फॉर एट आवर्स एट नाइट और हमें रात को एट आवर्स की नींद लेनी चाहिए प्लेइंग आउटडोर इज गुड फॉर अस आउटडोर गेम्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए वी शुड नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स हमें भी कभी सड़क से खुला हुआ सामान नहीं खरीदना चाहिए खुले हुए खाने की चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए यू ऑलवेज कैरी आर नैपकिन और आंड कची और हमेशा अपने साथ एक नैपकिन या फिर हैंड कची रखनी चाहिए रिलैक्सेशन बूस्ट कॉन्फिडेंस टू हैंडल प्रॉब्लम अगर हम हमारी बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलेगा तो हम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे तो इसलिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप रहे वर्क टू रिमेंबर अलाउंग योर फर्स्ट इज रिलैक्सेशन अलाउइंग योर बॉडी टू रेस्ट रिलैक्सेशन क्या होता है अपनी बॉडी को रेस्ट देना वेंडर अ पर्सन हु सेल्स ईटेबल्स और अदर आइटम्स फ्रॉम अ स्मॉल कार्ट और स्टॉल पर्सन जो ईटेबल्स सेल करता है या फिर ऐसी आइटम्स छोटे से कार्ट में लेटेस्ट रिकॉल क्लीनलीनेस इज अ गुड फॉर हेल्थ क्लीनलीनेस हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है एक्सरसाइज मेक्स अ बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग हम जितना एक्सरसाइज करेंगे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी

हमें अपने फेस और आइज को वॉटर से अच्छे से साफ करना ज़्यादा ज़्यादा से फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खाने डैश मेक्स आ बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग क्या हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है दैट इज एक्सरसाइज We should wash our hands before and after eating. खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथ धोने We should get up early. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। Tick the correct and cross the incorrect statement. We must have a bath weekly. No. हमें तो डेली बात करना चाहिए। Do not comb your hair properly. Wrong. We should comb our hair properly. हमें अपने कॉम अच्छे से हेयर को करना चाहिए। वी मस्ट प्लेस हम गेम्स एंड गो स्विमिंग हमें गेम्स भी खेलने चाहिए और स्विमिंग में भी जाना चाहिए ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए ये सो आई होप यूज गोइंग टू अडॉप्टीज गुड हैबिट्स इन योर डेली लाइफ सो यू कैन रीड दिस चैप्टर वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर थैंक यू